हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी सब्जियाँ, चावल ये सब रखे हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी। तो इसके लिए हमने लिया है ये बासमती राइस। अब हम इसको अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगा देंगे और तब तक हम ये सारी सब्जियाँ कट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम प्याज को इस तरीके से कट कर लेंगे, ऐसे करके इस तरीके से पूरा अलग कर देंगे। और अब हम ये सारा प्याज, तो देखिए अब हम इसको एकदम ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम अदरक, लहसुन और मिर्च का एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्याज लगभग डीप फ्राई हो चुका है। अब हम इसको एक पेपर में निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्याज हमने इस तरीके से ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब एकदम क्रिस्पी हो जाएगा ठंडा होने के बाद। अब चलो, देखिए दोस्तों, हमने पुदीना और धनिया धोकर कट करके रख लिया है। चलिए दोस्तों, अब हम सब्जी को मैरिनेट करते हैं। तो हम इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक। तो ये देखिए, अब हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। अब हमने इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया। तो अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। और ये धनिया पाउडर डाल दिया हमने, और ये हल्दी पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। और जो प्याज हमने फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे। आधा हम इसमें अभी डाल देंगे और आधा बाद में डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर सब्जी ऐड कर लेंगे। देखिए, अब हम सारी सब्जियां इस मिक्सचर में डाल देंगे। दोस्तों, एक बर्तन में हमने पानी गरम करने के लिए रखा है और अब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। तो देखिए, इसमें थोड़ा इलायची है, बड़ी इलायची है, तेज़पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है और काली मिर्च है। तो अब हम इसको इसमें डाल देंगे। इसी में ही थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में नमक ऐड करना है। और हमने दो तीन स्लाइसेस नींबू की भी इसमें ऐड करी है। अभी उबल जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। हमने इसमें थोड़ा ऑयल भी डाला है। तो अब हमारा पानी उबल चुका है, हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। देखिए, इसको अब हम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। ये थोड़ा पानी छोड़ेगा तो इसलिए हमें हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से भूनना है। तो देखिए, इसको हमें 70% कुक करना है। तो ये लगभग थोड़ा बहुत हो चुका है। देखिए दोस्तों, अब हमने इन चावलों में से पानी को अलग कर दिया है। एक छन्नी में, छन्नी वाले प्रात में हमने इसको डाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, हमारी सब्जियां बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं आगे बिरयानी। दोस्तों, हमने नीचे पे पहले थोड़ा घी डाल दिया है जिससे हमारी सब्जियां लगे ना। अब हम एक लेयर सब्जी की डालते हैं, दूसरी लेयर हम अब चावलों की डालते हैं। ये दोस्तों, हमने अब एक पूरी लेयर चावलों की डाल दी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा प्याज डाल देंगे फ्राई किया, और ये थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज फैला देंगे इसमें। तो ये देखिए, अब हम इसमें दोबारा से एक लेयर सब्जी की डालेंगे। तो देखिए, हमने फिर से एक लेयर सब्जी की लगा दी है। अब हम इसमें ऊपर फिर से चावल कवर कर लेते हैं। ये देखिए, हमने फिर से वही प्रोसेस रिपीट किया है। इसमें चावल से कवर करने के बाद धनिया, पुदीना और फ्राइड प्याज डाल दिया है। अब हम इसमें 2-3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। देखिए, ये हमारा कंप्लीट है। अब हम इसको ढक के सिम में दम लगा के पकाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हमने इसको एक बड़े से बर्तन से ढक के आटा चारों साइड से आटा लगा दिया है। अब इसको एकदम स्लो गैस में पकने देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी बिरयानी एकदम बनके तैयार है। ये देखिए, एकदम खिली खिली बिरयानी हमारी तैयार हो रखी है। थाली में करना फूक।
तो दोस्तों देखो हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।